महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है। विराट सृष्टि का विध्वंस सोच कर अद्भुत दृश्य था ये, कैसे ये दिव्य सर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्तित हो गए। हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उन्हीं के धनुष विजया का आवाहन किया। महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवाहन तो अवश्य किया है हनुमान ने, किंतु उनके अस्त्र प्रभु के दिव्यास्त्रों का सामना कहां कर सकेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान, किंतु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे भीषण से भीषण प्रहार करूंगा। स्तब्ध क्यों हो हनुमान, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मयूर बाण। धर्म का अधर्म से संघर्ष तो अनेकों बार देखा है मैंने, किंतु प्रथम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा हूं। पिता और पुत्र दोनों ही अपार शक्तियों से संपन्न है, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तुम्हारा पराक्रम प्रमाणित करता है कि किसी उत्तम गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने। भोले बाबा, युद्ध कला में आपसे उत्तम गुरु भला और कौन हो सकता है? ये शिक्षा तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है प्रभु। तो आओ पुत्र, अब इस युद्ध में और भी कठिन परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नाग विषास्त्र प्रकट हो। प्रभु महादेव तो महाविनाशक महाअस्त्र नाग विषास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उनका साधारण नागबाण इतना भयंकर था तो उनका महाअस्त्र तो अनेक गुना और प्रबल होगा। गरुड़ास्त्र। स्वामी के महानाग विषास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, गरुड़ास्त्र भी उसको निरस्त नहीं कर सकता। प्रभु के बाण ने तो निगल लिया हनुमान के गरुड़ास्त्र को। अस्त्र का विषैला धूम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है,
किंतु मैं अपनी चेतना नहीं खो सकता। हनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? ये तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव, इससे अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हनुमान भले ही नीलकंठ महादेव का अंश है, किंतु नागभि शास्त्र में तो ब्रह्मांड के समस्त विष का प्रभाव समाहित। वो महादेव का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र हनुमान को क्षति पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद जो है उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी इस युद्ध। हनुमान, प्रतीत होता है तुम्हारे गरुड़ अस्त्र ने मेरे नागभि शास्त्र की कुछ शक्ति हर ली, अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता। इतनी सरलता से तो पराजित नहीं हो सकते। क्या अपनी शक्ति भूल रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो? भूल रहे हो कि तुम्हें राम काज संपन्न करना है? सब कुशल रहेगा हनुमान, रक्षित रहेगा हनुमान। आपका शिष्य कुछ नहीं भूला भोले बाबा। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करेगा आपका ये शिष्य भोले बाबा। आप जो भी बाण चलाएंगे उसका सामना करने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हनुमान जीवित है रामकाज का पूर्ण होना निश्चित है। धन्य हो पुत्र, अपने अंश रुद्रांश से मुझे यही आशा थी। कैसी दुविधा, कैसी विडंबना है ये। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर जो मेरे पति मेरे स्वामी के साथ युद्धरत है, और कोई नहीं मेरा पुत्र है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक पीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि महाविनाशक युद्ध में एक ओर उसका पति हो और दूसरी ओर उसका पुत्र। अब मेरे रुद्रांश को मेरे रुद्रास्त्र का सामना करना होगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही रुद्रास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं अपने ही रुद्रांश पर। रुद्रास्त्र तो वो अस्त्र है जिसमें सभी 11 रुद्रों की शक्ति समाहित है। मैं रुद्रास्त्र का आवाहन करता हूं। वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र का आवाहन करता हूं।
अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति भी प्रभु के रुद्रास्त्र का साथ नहीं। हनुमान को इस महासंकट से निकलने के लिए कोई और उपाय करना हो। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरीत। युद्ध ये प्रचंड है प्रलय, सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरीत। युद्ध ये प्रचंड है प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। सदैव धर्म का अनुसरण किया है मैंने, कभी अपने धर्म पथ से नहीं भटका, इसलिए इस धर्म युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। किंतु मैं रुद्रास्त्र को कैसे रोकूं? रोकने के लिए शीघ्र कुछ करो पुत्र। भोले बाबा ने अपने समस्त रुद्र रूपों की शक्ति का संचार किया है, तो रुद्रांश होने के नाते मुझे भी अपने 11 रूपों की शक्ति का अनुसरण करना चाहिए। एकादश शक्ति संचारा, शिव रुद्रास्त्रा जब हूँ मारा, जान सामना दुष्कर भारी, एकादश कपि रूपली धारी। दो महाशक्ति संहारक, दो घातक, दो विनाशक, हनुमत निष्ठायक रघुराई, शिव से युद्ध किए जिस लाई। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मृत्यु स्वीकार है मुझे, पराजय नहीं। अपनी अंतिम श्वास तक पूर्ण क्षमता से प्रयत्नरत रहूंगा। मूर्छा से उठकर रणभूमि में लौटेगा हनुमान। अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। शक्ति चेतना हनुमत पाई, शून्य से भू को चले कपिराई, राम काज मन ही मन ठाना, जालाए तत्पर हनुमाना। राम बाण सम उड़े हनुमंत,
सीता पार किए अनगिन ब्रह्मांडा देखी पार्वती हर साई प्रज्वल यज्ञ शुचि हो आई। राधा बाबल हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। प्रभु श्री राम के महायज्ञ में आए प्रत्येक अवरोध को मिटा कर ही रहूंगा मैं। उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा मैं। ये भयानक ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि कैसी है? हनुमान ये तो इतने तीव्र वेग से आ रहा है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। श्री राम सेवक हनुमान पुनः आपका प्रहार सहने के लिए प्रस्तुत है भोले बाबा। आहत हुआ कष्ट साहब, किंतु अपने संकल्प से नहीं डिगा मेरा पुत्र हनुमान। एक समान है दोनों पिता पुत्र, अपने निश्चय पर अडिग रहेंगे, युद्ध से पलायन कदापि नहीं करेंगे। प्रभु आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, अपने इस रुद्रांश की ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा। ये क्या कह दिया हनुमान ने? कहीं हनुमान ने ये कहकर अपने लिए महासंकट तो आमंत्रित नहीं कर लिया? ब्रह्मांड की शक्ति से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो तुम तो सुनो, ब्रह्मांड के सभी जीवों की शक्ति का संचय है जिस अस्त्र में, उस पाशुपतास्त्र का प्रहार करूंगा तुम पर। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। अब आपको पाशुपतास्त्र चलाना ही चाहिए। आपके अन्य अस्त्रों से सुरक्षित रहा है ये वानर, किंतु आपके पाशुपतास्त्र से इसका मरण निश्चित हो जाएगा। प्रभु युद्ध कौशल में आप मेरे गुरु हैं भोले बाबा, मैंने सब आपसे ही सीखा है। युद्ध भूमि में योद्धा को मरण भी स्वीकार होना चाहिए, किंतु समर्पण नहीं। मेरा वचन है पाशुपतास्त्र अस्त्र का भी सामना करूंगा मैं, किंतु राम काज के लिए बढ़े मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। प्रतीत होता है हनुमान को पशुअस्त्र की अपार शक्ति का अनुमान नहीं। पाशुपतास्त्र हनुमान, कि तुमने क्या कर दिया? संसार के सबसे अधिक सर्वाधिक विनाशक अस्त्र को चुनौती दे बैठे। हनुमान सबल समर्थ है, किंतु पाशुपतास्त्र का सामना कर सकेगा अन्यथा नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। We'll be right back.
अब ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का बल सोख रहा है यह अस्त्र। भोले बाबा का पाशुपतास्त्र तो ब्रह्मांड अस्त्र से भी प्रचंड प्रतीत हो रहा है। मेरी शक्ति महादेव के अस्त्र की शक्ति में समाहित हो रही है। प्रभु धन्य हो गया मैं। प्रभु के पाशुपतास्त्र को हम देवता भी अपनी शक्तियां देने के लिए विवश हैं। हनुमान के विरुद्ध हमारी शक्ति का प्रयोग करेगा यह अस्त्र। आश्चर्य, इस अस्त्र में तो मेरी शक्ति भी मिल गई। मुझे भय है कहीं हनुमान का कोई अनिष्ट ना हो जाए। अस्त्रहीन असहाय होकर हनुमान पाशुपतास्त्र का सामना कैसे करेगा? जिस प्रकार मैंने ब्रह्मास्त्र के प्रहार को सहा था, वैसे ही पाशुपतास्त्र की अपार शक्ति का भी मैं सामना करूंगा। किंतु मैं भोले बाबा को दिए वचन को कभी भंग नहीं होने दूंगा। एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। जय श्री राम। हनुमान, जब तक इस धर्म युद्ध का अंत नहीं होता, अनेकों घातक अस्त्रों के प्रहारों के साथ अन्य अनेक कष्ट सहोगे तुम, जिसके कारण तुम्हारे प्रियजन और शुभचिंतक भी व्यथित होंगे। पाशुपतास्त्र तो हनुमान के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। घोर संकट में है हनुमान। विध्वंस से तो अनेक आसुरी और भयंकर शक्तियां उत्पन्न हो रही है। इस अस्त्र की प्रचंड ऊर्जा से और किसी को आहत नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान? पाशुपतास्त्र के प्रहार को झेलकर सुरक्षित रहना कठिन ही नहीं असंभव है। पाशुपतास्त्र जो शिव ने मारी, उत्सर्जे तू जाते भारी। सोई ऊर्जा निकले हनुमाना, डाल दिए संकट मह प्राणा। बाबली हनुमत की रच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। अब और सह नहीं कर सकती मैं। पुत्र इतनी पीड़ा में हूँ और माता देखती रहे, ये कैसे संभव है?
यदि अंजना यहाँ होती तो पाशुपतास्त्र के समक्ष भी वैसे ही खड़ी होती जैसे वो स्वामी के त्रिशूल को रोकने उसके आगे आ गई। वो तो यही विचार कर निश्चिंत होगी कि उसका पुत्र देव कार्य में सुरक्षित है। उस दिन उस माँ ने अपनी ममता का परिचय दिया था तो आज इस माँ को पिता और पुत्र के अनर्थकारी युद्ध के बीच आना ही होगा। हे माता शक्ति, संसार के समस्त जीवों की शक्ति का स्रोत तो आप ही हैं। कृपया प्रभु के पाशुपतास्त्र की शक्ति हर लीजिए। उसे अशक्त बनाकर इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए माता, क्योंकि हनुमान प्रतिबद्ध है, वो एक पग भी पीछे नहीं हटेगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।